देखिए ये रोड जाम पब्लिक की तरफ से है, पब्लिक बहुत परेशान है, रिचार्ज करा करा के बहुत परेशान है। स्पीड मीटर के खिलाफ रोड पर उतरने का काम किया है, और अगर जिला प्रशासन और बिजली विभाग अगर ठीक से इसको टैकल नहीं करेगी वो दिन दूर नहीं कि पूरे शहर में आग लग जाएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार में, आपके साथ विवेक कुमार। मुजफ्फरपुर में स्मार्ट मीटर का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा। कुछ ही दिन पहले बिजली ऑफिस पर चढ़कर तोड़फोड़ और बिजली ऑफिस पर तालाबंदी करके उसके बाद स्मार्ट मीटर का विरोध किया जाता, लेकिन उसके बाद भी लोग अब मुजफ्फरपुर शहर को बंदी कर दिया, जगह जगह पर शहर को बंद किया जा रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से सड़क जाम, रोड जाम कर दिया गया, और व्यवसायी लोग भी अब मुजफ्फरपुर शहर में अपना दुकान बंद करके विरोध में रोड पर उतर गया और क्या कुछ कह रहे हैं आइए पहले सुनिए। देखिए ये रोड जाम पब्लिक की तरफ से है, पब्लिक बहुत परेशान है, रिचार्ज करा करा के बहुत परेशान है, और रिचार्ज वाला कॉन्सेप्ट ही गलत है। आप पहले इतने जमाने से जब से इलेक्ट्रिक पैदा हुआ है तब से लेकर आज तक जो व्यवस्था चल रहा था, क्या सरकार को सूझा कि आप कह रहे हैं कि पहले रिचार्ज करो और तब उसके बाद आप क्या नाम है कि सुविधा लोगे। किसी के पास हमेशा पैसा अवेलेबल नहीं होता है, मोबाइल में पैसा नहीं रहता है। आप मोहल्ले में अभी चले जाइए, बहुत ऐसे लोग हैं जिसके पास एक रुपया नहीं है और लाइट उनका कटा हुआ है। पहले मौका मिलता था, पहले टाइम मिलता था, रिचार्ज करने का वक्त मिलता था, पैसा जमा करने का टाइम मिलता था, 15 दिन एक महीना तो लोग रिचार्ज जाकर ऑफिस में जमा कर देते थे। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं पहले वाले व्यवस्था में क्या दिक्कत था कि ये ला रहे हैं। ये जो पूछ रहे हैं लोग कि अभी क्या दिक्कत है, हम ये कह रहे हैं कि पहले क्या दिक्कत था कि ये ला रहे हैं। सरफराज आलम, एडवोकेट मारीपुर। पूरे मुजफ्फरपुर की जनता धन्यवाद के पात्र है कि प्रीपेड मीटर के खिलाफ रोड पर उतरने का काम किया है, और अगर जिला प्रशासन और बिजली विभाग अगर ठीक से इसको टैकल नहीं करेगी वो दिन दूर नहीं कि पूरे शहर में आग लग जाएगा। पूरा आम लोगों का पूरा सहयोग था और आम जनता रोड पर थी। देवांशु किशोर, प्रीपेड मीटर संघर्ष समिति के अध्यक्ष। पैसा लेके घूम रहे हैं, मोबाइल का सिस्टम हमको चलाने नहीं आ रहा है, हमारा लाइन घर का कटा हुआ है। तो जब से लगा है मीटर तब से परेशानी हो रहा है। आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं, क्या कहेंगे? कहेंगे वो मीटर को हटा, पहले वाला सिस्टम को ले आए, जैसे पहले था उसे कर ले। आम आदमी को जो सुविधा है इसमें बहुत ज्यादा पैसा भी कट रहा है, 300 रुपया कमाते हैं भर पुराने मीटर लगाए जी। MD साहिद, तो आपने सुना कि लोगों ने क्या कुछ कहा? उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रीपेड मीटर को जल्द से जल्द वापस ले, अगर वापस नहीं होता तो आगे चल के भी वो बड़ा एक्शन लेंगे, और कई सारी बातों को कहा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से मुजफ्फरपुर में जगह जगह चक्का जाम किया गया है प्रीपेड मीटर को विरोध में, और उनका कहना साफ साफ कि प्रीपेड मीटर सरासर गलत है, पैसा ज़्यादा करता है, और जिसको लेकर उनका साफ साफ मांग है कि वह प्रीपेड मीटर को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए, जैसा पहला मीटर था वैसे ही उसे लगा दिया जाए। इसी तरीके की खबर के साथ बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।